हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं एक एक्सटेंशन बोर्ड बनाने वाला हूं। दोस्तों इसकी खास बात यह है कि इसमें मैंने 3 USB सॉकेट्स लगाए हुए हैं। अगर आपको अपना फ़ोन चार्ज करना है तो आप इससे वो भी चार्ज कर सकते हो, आपको इसमें एडेप्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने PVC पाइप को कट करके और उसको हीट करके उसकी शीट बना ली थी, और यहाँ पर मैंने इनकी लेंथ 22 सेंटीमीटर रखी हुई है और विड्थ इनकी 4 सेंटीमीटर रखी हुई है, और यहाँ पर मैंने इनकी लेंथ 6 सेंटीमीटर और विड्थ 4 सेंटीमीटर रखी हुई है। और इनको मैं गैस में हीट करके बेंड कर दूंगा, और इनको बेंड करने के लिए मैंने मार्कर का यूज़ किया हुआ है, और ऐसे मैं चारों बनाकर तैयार कर लूँगा। और इनको मैं जो पहले वाला टुकड़ा कट किया हुआ था उसके कॉर्नर्स में इंस्टेंट ग्लू की मदद से चिपका दूंगा, और यहाँ पर मैंने 2 और पीसेस कट कर लिए हैं और इनको मैं साइड में चिपका दूंगा। दोस्तों यहाँ पर हमारा बॉक्स का नीचे वाला पार्ट बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैंने कुछ मार्किंग्स लगा ली है और इनको मैं कट कर लूंगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने MDF बोर्ड के कुछ पीसेस कट कर लिए हैं और उसमें मैंने होल्स भी किए हुए हैं, और ऐसे मैं 8 पीस बनाकर तैयार कर लूंगा। दोस्तों मैं इसको ऐसा बनाना चाहता हूँ अगर इसमें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो हम इसको इजीली खोलकर ठीक कर सके, इसीलिए मैं यहाँ पर इनका यूज करने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैंने इसके चारों तरफ से नट लगाने के लिए होल्स कर दिए हैं, और अब मैं इसमें रेड वाला स्प्रे पेंट कर दूंगा। दोस्तों आपको इसका कलर कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं 5-पिन सॉकेट यूज करने वाला हूँ, और यहाँ पर मैं 3 5-पिन सॉकेट्स का यूज करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं इनको रोकने के लिए छोटे वाले नट और बोल्ट का यूज करने वाला हूँ, ये भी 5-पिन सॉकेट के साथ ही मिलते हैं, और इसको मैं इसमें अच्छे से टाइट करके लगा दूंगा। दोस्तों यहाँ पर मैं SPST स्विच का यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं ऐसे 4 स्विच इसमें लगाने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैं इसमें USB सॉकेट का यूज करने वाला हूँ, और इसके कुछ एक्स्ट्रा पार्ट निकले हुए हैं उनको मैंने कट कर लिया है, और ऐसे ही मैं तीनों USB सॉकेट्स को कट करके इसमें लगा दूंगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने PVC सीट के छोटे से कुछ पीसेस भी कट कर लिए हैं, और इनको मैं USB सॉकेट्स के साइड में चिपका दूंगा ताकि जब भी हम USB सॉकेट्स को यूज करें तो वो अचानक से साथ में निकल ना जाए। और इसके बाद मैंने USB सॉकेट्स में थोड़ी थोड़ी इंस्टेंट ग्लू लगा दी थी, और उसके बाद मैंने इसमें ग्लू गन की मदद से हॉट ग्लू लगा दी है। ऐसे ही मैं स्विचेस में भी हॉट ग्लू लगा दूंगा। दोस्तों इसका सर्किट डायग्राम मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, पर अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों यहाँ पर मैंने तीनों स्विचेस के एक एक वायर आपस में कनेक्ट कर दिए हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने तीनों USB सॉकेट्स को पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर मैं 5 वोल्ट और 2 एम्पीयर का अडेप्टर का सर्किट यूज करने वाला हूँ, और यहाँ पर मैं एक अच्छी क्वालिटी की 3-पिन वाली कॉर्ड यूज करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं इस वायर को इस बॉक्स के अंदर डाल दूंगा, और इस वायर में मैं केबल टाई लगा दूंगा ताकि जब भी हम इस वायर को खींचेंगे तो ये वायर बाहर ना निकल जाए। इस सर्किट में मैंने वायर्स कनेक्ट कर लिए हैं, और इसको मैं डबल साइडेड टेप की मदद से बॉक्स में चिपका दूंगा। जो USB सॉकेट के पॉजिटिव और नेगेटिव वायर हैं, उनको मैंने चार्जर के पॉजिटिव और नेगेटिव से डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ पर मैं एक 5 mm वाली LED यूज करने वाला हूँ,
और इसको डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी से चलाने के लिए मैं एक 120 किलोम्स का रजिस्टर भी यूज़ करने वाला हूँ और यहाँ पर मैं एलईडी के एक लेग में रजिस्टर कनेक्ट कर दूंगा। दोस्तों मैंने इसके सारे कनेक्शंस कर लिए हैं और इसके कनेक्शंस काफ़ी ज़्यादा सिंपल हैं, पर मैं अगर आपको ऐसे बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएंगे, इसीलिए मैंने इसका सर्किट डायग्राम डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से जाकर इसके कनेक्शंस कर सकते हो। दोस्तों अब यहां पर मैं जिप्सम वाले स्क्रूज यूज़ करने वाला हूं और इन स्क्रूज को मैं इसमें लगा दूंगा। दोस्तों यहाँ पर मैं इस प्लग को डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी में कनेक्ट कर दूंगा और यहाँ पर इसका इंडिकेटर भी इंडिकेट कर रहा है। दोस्तों वो सिर्फ कैमरे में ही ब्लिंकिंग शो कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर मैंने तीनों सॉकेट के लिए अलग अलग स्विच रखे हुए हैं और जो यूएसबी सॉकेट्स हैं उनके लिए मैंने एक ही स्विच रखा हुआ है। दोस्तों आपको ये एक्सटेंशन बोर्ड कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।